हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल को कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको चैनल को कस्टमाइज करना क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आजकल यूट्यूब पे कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, काफ़ी सारे चैनल सेम तरह की वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपका चैनल कस्टमाइज होगा तो उसको एक प्रोफेशनल लुक मिलेगी, जिससे कोई भी जब आपके चैनल पे विजिट करेगा तो उसे आपका चैनल की लुक और उसका कंटेंट अच्छा लगेगा, तो वो आपको सब्सक्राइब बहुत जल्दी करेगा। इससे आपके सब्सक्राइबर बढ़ने में भी आपको हेल्प मिलेगी और वीडियोस पे व्यूज़ भी इंक्रीज होंगे। तो इसको मैं पूरा प्रैक्टिकली आपको अपने लैपटॉप पे करके दिखाऊंगा अभी कि क्या कैसे कैसे करना है ये सारा प्रोसेस। और अगर आप ये अपने मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। उसमें आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें डेस्कटॉप साइट में उसे कन्वर्ट कर लेना है और फिर इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। इसमें आपको सब क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है जैसे मैंने ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे टाइप करना है www.youtube.com। उसके बाद एंटर कर देना है आपको, और उसके बाद अपने जीमेल अकाउंट से अपने यूट्यूब अकाउंट में साइन इन कर लेना है। मैंने साइन इन किया हुआ है तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद यूअर चैनल के अंदर जाना है और यहाँ से आपको, आप देख सकते हैं मेरे चैनल का लुक। मैंने एक प्रॉपर बैनर लगा रखा है, प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी है, और उसके बाद मैंने देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐड कर रखी हैं, अपलोड पॉपुलर, अपलोड क्रिएटेड प्लेलिस्ट। तो ये काफ़ी सारे सेक्शन मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक जो नया चैनल होता है उसके ऊपर कैसे दिखाई देता है जब कोई विजिट करता है। तो मेरे चैनल पर जब कोई विजिट करेगा तो उसको तो ऐसा दिखाई देगा, लेकिन कोई दूसरा चैनल होगा जिसने कस्टमाइज नहीं कर रखा होगा तो उसका चैनल कैसा दिखाई देगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, एक मेरा दूसरा चैनल है जिसमें ये होम पेज है उसका, ये ऐसा दिखाई देगा। ना इसमें बैनर लगा है, ना ही कोई सेक्शन ऐड है, मतलब इसका प्रॉपर कस्टमाइजेशन नहीं किया गया है। तब वापस से अपने चैनल पर आ जाता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने ये प्रॉपर कस्टमाइजेशन किया हुआ है इसमें। यहाँ पे ये लिंक भी देख सकते हैं आप, इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक के पे लिंक भी ऐड कर रखे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें कस्टमाइज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपके सामने ये कस्टमाइज चैनल का सेक्शन खुल जाता है जिसमें तीन ऑप्शन होते हैं, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फो। इसकी मैं आपकी पूरी डिटेल में आपको ये समझाने वाला हूँ। और अगर आपको यहाँ से ना आए कस्टमाइजेशन का ऑप्शन तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस पर क्लिक करके भी आप कस्टमाइजेशन वाले सेक्शन में आ सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप बात कर लेते हैं वीडियो स्पॉटलाइट जो लेआउट के अंदर है। ये इसमें सबसे पहले है चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैवेंट सब्सक्राइब्ड, मतलब आप यहाँ पे कोई भी चैनल ट्रेलर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके अपनी कोई भी वीडियो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि कोई भी आपके चैनल पे विजिट करेगा तो वो ऑटोमेटिक जो वीडियो चल जाती है चैनल पे वो यही होता है चैनल ट्रेलर। उसके बाद नीचे ये फीचर्ड वीडियो है, इसमें मैंने ये वीडियो ऐड कर रखी है। आप भी चाहें तो यहाँ से ये चेंज वीडियो कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये वाली वीडियो कर रखी है। और इस फीचर्ड में यहाँ पे सेक्शंस हैं काफ़ी सारे नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तीन सेक्शन ऐड किए हुए हैं जो मेरे आपकी स्टार्टिंग में मेरे होम पेज पे आपको दिखाई दे रहा था जो सेक्शन नीचे, वो यहीं से ऐड करे थे मैंने। तो यहाँ पे ये एक ऐड सेक्शन का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप वीडियोस, कोई भी वीडियोस यहाँ पे सेक्शन ऐड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का सेक्शन ऐड कर सकते हैं, कोई चैनल ऐड कर सकते हैं। अगर किसी का कोई आपका दूसरा चैनल है तो यहाँ से आप उस फीचर्ड चैनल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई भी उसका जो अभी आपका चैनल है, जैसे यहाँ पे लिख देंगे माय सेकंड चैनल, और यहाँ पे वो चैनल सर्च कर लेंगे जिस नाम से है, जैसे कोई भी नाम हो यहाँ पे सारे चैनल आ जाएंगे। ठीक है, वहाँ से सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे जैसे ही डन करेंगे तो वो चैनल हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड सेक्शन में
यहाँ पे आप अपलोड्स है, मैंने अपलोड्स यहाँ पे ऐड कर रखा है, जस्ट उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे ये है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ अभी, और इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ सेक्शन, जैसे ये ऐड सेक्शन किया तो यहाँ पे अपलोड्स मेरे को ऐड करना है इसमें, तो अपलोड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जो भी रिसेंट अपलोड हैं वो दिखाता है सबसे ऊपर। ऐसे ऐड सेक्शन करेंगे, अब मुझे यहाँ पे पॉपुलर अपलोड्स डालने हैं जिसपे मेरे बहुत ज़्यादा व्यू आए हैं, तो हमें इसके ऊपर क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं यहाँ नीचे जिन वीडियोस पे हमारे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं ये उन वीडियोस को शो करता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक और सेक्शन ऐड कर सकते हैं हम, यहाँ पे शॉर्ट वीडियो का सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, कोई शॉर्ट वीडियो बना रखी हो तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। लाइव का ऑप्शन भी आ जाता है यहाँ पे, पास्ट की कोई लाइव स्ट्रीम है जो आपने की हो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं ऐसे क्लिक करके, अपकमिंग के लिए भी कर सकते हैं, कोई प्लेलिस्ट आप सिंगल प्लेलिस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर जो आपने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी हैं वो यहाँ पे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 10 प्लेलिस्ट यहाँ पे बना रखी हैं, वो यहाँ पे ऐड हो गई। उसके बाद ऐड सेक्शन करेंगे और यहाँ पे मल्टी प्लेलिस्ट का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है, इस मल्टी प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप काफ़ी सारी प्लेलिस्ट को एक ही सेक्शन के अंदर रख सकते हैं, और ये चैनल्स का ऑप्शन है जो मैंने आपको बता दिया है अभी। उसके बाद आपको ये सब ऐड करके यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना है, तो ये आपके पूरे चैनल में ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन आता है यहाँ पे ब्रांडिंग का, तो ब्रांडिंग में आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या होता है, पिक्चर होती है, बैनर इमेज होती है, वीडियो वाटरमार्क होता है, ये तीन चीज़ें होती हैं ब्रांडिंग में। तो हम सबसे पहले पिक्चर की बात करेंगे, कोई भी प्रोफाइल पिक आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इट रिकमेंडेड टू ए पिक्चर एटलीस्ट 98x98 पिक्सल की होनी चाहिए और 4 MB से कम की होनी चाहिए, वो प्रोफाइल पिक्चर आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अपने चैनल का कोई लोगो बना के लगा सकते हैं, आपको जस्ट यहाँ चेंज पे क्लिक करना है और वो पिक्चर जहाँ भी है वहाँ से उसे अपलोड कर देना है। ठीक है, ऐसी आपको बैनर इमेज लगानी है अपनी, ये साइज होना चाहिए उसका एटलीस्ट, ठीक है, और 6 MB से कम का होना चाहिए, इसे भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके। यहाँ पे चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये इसमें ऑटोमेटिक लगा रखी है, पर आपका जब नया चैनल होगा तो वहाँ पे यहाँ पे डायरेक्ट आपको ऐड करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप सिंपली उस पर ऐड पे क्लिक करके जहाँ पे भी आपकी वो इमेज है वहाँ से उसे इसमें इनबिल्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वीडियो वाटरमार्क का ऑप्शन आता है, तो वाटरमार्क यहाँ पे आप कोई भी अपनी वीडियो में नीचे वाटरमार्क लगा सकते हैं, जैसे मैंने आप मेरी इस वीडियो में भी देख रहे होंगे यहाँ पे सब्सक्राइब का वाटरमार्क नीचे लगा हुआ है, तो आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। ठीक है, और यहाँ पे इसमें डिस्प्ले टाइम भी है कि आप एंड में लगाना चाहते हैं वीडियो के, या कोई आप अपनी तरफ से टाइम देना चाहते हैं, या फिर आप पूरी वीडियो में लगाना चाहते हैं, तो मैंने पूरी वीडियो में लगा रखा है। ठीक है, और यहाँ से आप कोई दूसरा चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से क्लिक करके वो चेंज करके यहाँ इमेज लगा सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे पब्लिश कर देना है तो वो आपकी ऐड हो जाएगा आपके चैनल में। उसके बाद यहाँ बेसिक इन्फो आती है, इसमें सबसे ऊपर आपके चैनल का यहाँ पे नाम ऐड होता है, यहाँ पे चैनल का नाम लिखना है आपको अपने, जैसे मैंने लिखा हुआ है जो भी आपके चैनल का नाम है। उसके बाद अपने चैनल के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको, यहाँ पे आप लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको किसी और लैंग्वेज में यहाँ पे लिखना है तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद चैनल यूआरएल है, आपका यूआरएल शो हो जाएगा यहाँ पे, कस्टम यूआरएल भी बना सकते हैं, ये इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है इसे कैसे इनेबल करते हैं, तो अगर आपको वो देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में दे दूंगा, आप वहां से जाके इजिली उसे सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे लिंक्स का ऑप्शन आता है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिंक ऐड कर रखे हैं, ऐसे आप भी यहाँ पे ऐड लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे उसका नाम और उसका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने 3 कर रखे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे है लिंक्स ऑन बैनर, इसमें आपको ये कह रहा है कि बैनर के ऊपर आप कितने लिंक दिखाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1st 5 लिंक करा हुआ है, आप जितने दिखाना चाहें उतने यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे कॉन्टैक्ट इन्फो है, तो आप अपने चैनल की जो भी ईमेल आईडी देना चाहते हैं, बिजनेस ईमेल आईडी, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, जिसपे आपकी कोई भी इंक्वायरी आएगी, तो इस तरीके से अगर ये सब चीज़ें आप अपने चैनल में कर लेंगे तो आपका चैनल एक प्रोफेशनल लुक के साथ कस्टमाइज हो जाएगा, जिससे वो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको
सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ने में भी काफी हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको पता लग गया होगा कि आप अपने YouTube चैनल को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, उसे एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।